ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज फिर हाजिर हूँ एक ऐसा चमत्कारी मोहिनी मंत्र लेकर जो कि किसी को भी पल भर में आपकी ओर आकर्षित कर देगा। बहुत ही रिसर्च के बाद ये मंत्र मिला है जो कि अपने भीतर इतना सामर्थ्य रखता है कि सिर्फ देखने मात्र से किसी को आपकी ओर आकर्षित कर दे, आपकी ओर मोहित कर दे। आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में भारतवर्ष में आम आदमी के पास ऐसी ऐसी गूढ़ विद्याएं थी जो कि आज के युग में सुपर पावर कहलाएंगे। किसी को वशीभूत कर लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। आप एक मंत्र पढ़िए और आपके सामने इच्छित जो भी व्यक्ति है वो घुटने टेक देता था। तो ऐसी ऐसी कलाओं में निपुण थे हमारे भारतवर्ष के जितने भी लोग थे। कईयों के पास ये विद्या थी, कईयों के पास नहीं थी, लेकिन उस समय में ऐसा क्या था जो कि लोग आसानी से किसी को भी वशीभूत कर लेते थे। तो देखिए, उस समय में जो है मंत्रों की दीक्षा दी जाती थी और उसी में सब कुछ निहित था। यदि आपको शस्त्र चाहिए तो उनके लिए अलग मंत्र होते थे, यदि आपको कोई खाद्य पदार्थ चाहिए तो उसके लिए अलग मंत्र होते थे। मंत्रों से ही सब कुछ दूसरी दुनिया से इस दुनिया में स्थानांतरित किया जाता था। और इसी प्रकार किसी को यदि वशीभूत करना हो तो इसके लिए सम्मोहन विद्या होती थी। और इस विद्या को पाने के लिए, इसको अर्जित करने के लिए बहुत से लोगों ने अथक प्रयास किए, लेकिन जो दृढ़ संकल्प करके इन मंत्रों को करते थे सिर्फ उन्हीं को ये विद्या प्राप्त होती थी। हर किसी को ये विद्या प्राप्त नहीं होती थी। तो आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र दूंगा जिससे कि सिर्फ एक तिलक लगाने से आप किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में सभी लोग तिलक लगाते थे और आजकल जो है ये प्रचलन थोड़ा कम हो गया, लेकिन आज भी लोग लगाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा तिलक बनाना जिससे कि देखने वाले, चाहे वो पूरी सभा ही क्यों ना हो, वो भी मोहित हो जाए। एक बार किसी ने आपको देख लिया तो बस टकटकी लगाए आपको देखता रहेगा। इतना पावरफुल मंत्र है कि किसी के हटाए ना हटे। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कोई प्रेमिका है जिसने आपकी रातों की नींद उड़ा रखी है और आप चाहते हैं कि उसे अपने वशीभूत करना, तो ये जो क्रिया है, इस प्रयोग को करने से आपकी जो मंशा है वो अवश्य पूरी होगी। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल उपाय है जो कि कोई भी कर सकता है। और इसके लिए आपको चाहिए होगा काम्या सिंदूर। काम्या सिंदूर कहीं से भी अर्जित कीजिए, लेकिन असली होना चाहिए। यदि काम्या सिंदूर असली नहीं है तो भूल जाइए कि ये प्रयोग काम करेगा। और जो मार्केट में जितने भी काम्या सिंदूर मिल रहे हैं उनकी सार्थकता पे मुझे संदेह है। यदि आप मुझसे परचेस करते हैं तो आपको ओरिजिनल काम्या सिंदूर मिल जाएगा। उसके लिए आपको जाना होगा kaliavidya.com पर और वहाँ पर आपको काम्या सिंदूर मिल जाएगा। जब ये आप अर्जित कर लें उसके बाद में इस प्रयोग को कीजिएगा। जैसे कोई भी शुभ मुहूर्त हो, होली होगी, दिवाली होगी, या कोई ग्रहण काल हो गया, या कोई ऐसा नक्षत्र हो जैसे पुष्य नक्षत्र हो गया, रोहिणी हो गया, इन दोनों में आप इसको कर सकते हो। जब भी कोई ऐसा नक्षत्र आए उस समय पे इस मंत्र को 1008 की संख्या में जप लीजिए। और 1008 की संख्या में जपने के बाद ये जो है जीवित हो जाता है, इसके अंदर प्राण आ जाते हैं और ये आपके भीतर अपना एक स्थान बना लेता है। इसके बाद जो है ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और इसको आप कभी भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो जो सबसे जटिल इसमें समस्या आती है वो है प्राचीन काम्य सिंदूर प्राप्त करना। ये जो आपको मार्केट में सिंदूर मिलते हैं ये इसमें काम नहीं आएंगे, आपको ओरिजिनल काम्य सिंदूर चाहिए होगा। और उसके बाद
आपको इस मंत्र को सिद्ध कर लेना है। मंत्र सुन लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है, याद करने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन पहले इसको कंठस्थ कीजिएगा और उसके बाद ही जो है आपको मंत्र पढ़ना है। मंत्र है, नमो मोहिनी रानी पलंग चढ़ बैठी, मोह रही दरबार मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। दुहाई लूना दलित की, दुहाई गौरा पार्वती की, दुहाई बजरंग बली की, सत्य नाम आदेश गुरु का। एक बार फिर से मंत्र बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा है और कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप बहुत तेज बोलते हो, तो अब मैं धीरे धीरे आपको बता देता हूँ। नमो मोहिनी रानी पलंग चढ़ बैठी, मोह रही दरबार मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। दुहाई लूना दलित की, दुहाई गौरा पार्वती की, दुहाई बजरंग बली की, सत्यनाम आदेश गुरु का। तो देखिए ये जो मंत्र है इसमें बात आई है लूना दलित की, तो ये बहुत बड़ी तांत्रिक हुई हैं और इनमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी थी कि ये कहाँ से हैं। कोई कहता है कि राजस्थान से है, कोई कहता है बंगाल से हैं, तो अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इसके बारे में आपको अगले वीडियोज़ में बताऊँगा कि ये इनके पास कैसी कैसी चमत्कारी शक्तियाँ थी। तो इस मंत्र को आपको सिद्ध कर लेना है 1008 की संख्या में किसी भी ग्रहण काल, किसी भी ऐसे नक्षत्र में जो कि आपके लिए शुभ हो, और उसके बाद ये सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने के बाद आपको काम्या सिंदूर लेना है और उसका एक टीका लगाना है 3 बार मंत्र पढ़कर। जो भी सिंदूर आप लेंगे उस सिंदूर पर 3 बार ये मंत्र, उसको अपनी हथेली पर रखिए और फिर इस मंत्र को 3 बार बोल दीजिए, जिससे कि जो आपका सिंदूर होगा वो इस मंत्र से इन्फ्यूज़ हो जाएगा और जो भी व्यक्ति आपके सम्मुख आएगा वो वशीभूत हो जाएगा, वो बस दिन रात आप ही के बारे में सोचता रहेगा। बहुत सी भ्रांतियाँ हैं मोहिनी तिलक के बारे में, बहुत से ऐसे कमेंट्स में पढ़ता हूँ कि जिसमें कि लोग डरे हुए हैं कि इससे कुछ उल्टा तो नहीं हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ मोहिनी तिलक में कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं है, बशर्ते आप जो है इस प्रयोग को बिल्कुल सटीक तरीके से करें जैसे मैं बता रहा हूँ। मंत्र में कहीं भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, इसलिए मंत्र को जो है एकाग्रचित्त होकर अपने कंठ में धारण कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए इसको, और जब भी याद करना हो तो उस समय पर आपको एकदम से आना चाहिए। ये ना हो कि आप भूल जाएँ, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो कि उस समय पर भूल जाते हैं। तो इस साधना को शुरू करने से पहले आपको इस मंत्र को जो है रट लेना है, ऐसे रट लीजिएगा कि अगर मैं नींद में बोलूं तो भी आपको आता हो, उसके बाद इसको शुरू कीजिएगा। इसमें जो है थोड़ी सावधानियां आपको रखनी पड़ेंगी जो कि आपके इस प्रोसेस के लिए हैं, इसमें कोई हानि नहीं होगी, लेकिन आपको इसमें सफलता अगर पानी है तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको करनी है। कई लोग कहते हैं कि गुरु जी हम अंडा खा लेते हैं मीट नहीं खाते, तो क्या ये प्रयोग हम कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल सात्विक रहिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको कुछ चाहिए इस मंत्र से, आपको ये इस तरह से करना है कि आपकी कोई मतलब मंशा ना हो लेकिन फिर भी भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए आप ये कर रहे हैं, कोई इसमें स्वार्थ ना हो, तब जाकर ये चीज़ें काम करती हैं। दूसरा, मांस मदिरा मीट अंडा ये सब जो है आपको त्याग देना है 1 महीने पहले से अगर आप खाते हैं, अगर नहीं खाते तो बहुत बढ़िया है। और जब इस मंत्र का आपको असर दिखे तो अपने कुल देवता को, अपने ग्राम देवता को, अपने इष्ट देवता को कुछ मीठा चढ़ाएं, चाहे वो लड्डू हो, चाहे वो मिठाई हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो मीठा आपको चढ़ाना पड़ेगा। इससे जो है ये जो क्रिया आपने की है, ये जो तंत्र आपने लगाया है, ये सदियों के लिए लग जाएगा। कई लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं गुरु जी कोई ऐसा ताबीज़ बना दीजिए जिससे कि मांस का अट्रैक्शन हो सके। तो अगर आप किसी सभा को मोहित करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये मंत्र जो है कारगर है। तिलक लगाकर किसी भी सभा में जाइए तो आपके सवाल के ऊपर कोई सवाल नहीं कर पाएगा, जो आपने कह दिया वो सर्वमान्य होगा। और ये जो प्रोसेस है ये लगभग 15 साल पहले जो है मैं टेस्ट कर चुका हूँ, बहुत से लोगों को दिया और इसने अपना काम सटीक किया था। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से आप कीजिएगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि ये काम ना करे। यदि कहीं पर भी कोई त्रुटि होगी तो ये काम नहीं करेगा, तो एक बार परामर्श अवश्य लें कि कैसे करना है कैसे नहीं, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु का आशीर्वाद सबसे
सर्वोपरि होता है, उनसे पहले आशीर्वाद लीजिए, चाहे फिर कोई भी गुरु हो, उनसे आज्ञा लेकर उसके बाद ही इसका प्रारंभ कीजिएगा। यदि कहीं पर कोई त्रुटि हुई हो मुझसे, कोई कुछ समझ ना आ रहा हो आपको, मंत्र थोड़ा बड़ा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9982841625 पर, या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं info@mohiniwidya.com पर। धन्यवाद।